है फ्रेंड्स, मैं हूं किशोर कुमार साहू और मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी बजाज से तक 99। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरा इंस्टा आईडी है बजाज से तक 99, आप मेरे को मैसेज करिए। फ्रेंड्स, मैं आपको उस टॉपिक में वीडियो बना के दूंगा। फ्रेंड्स, अभी एक मैसेज आया था और कुछ दिन पहले, मतलब बोल सकते हैं कि ये लगातार ये प्रॉब्लम जो है स्कूटर में आ रहा है, तो इस टॉपिक में वीडियो बनाओ भैया, इस टॉपिक में वीडियो बनाओ करके मेरे पास और भी मैसेज आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके स्कूटर में भी ऐसा प्रॉब्लम है, आप अपने स्कूटर चला रहे हैं तो बोलते हैं ना जो पेट्रोल का स्मेल आता है, पेट्रोल का स्मेल आना, या फ्रेंड्स ऐसा होता है जब हम अपने गाड़ी को टिल्ट करते हैं, झुकाते हैं, बहुत से लोग अभी भी फ्रेंड्स इस स्कूटर को झुका के स्टार्ट करते हैं। मैं बता चुका हूँ आपको झुका के स्टार्ट नहीं करना है, आपको चोक का यूज़ करना है। तो अभी भी बहुत से लोग इसको झुका के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर ऑयल दिखता है, ठीक है, ऑयल आएगा। या तो फिर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि ज़्यादातर अगर हम झुका नहीं रहे अपने गाड़ी को, या नॉर्मल भी है तो भी यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो है यहाँ से पूरा पेट्रोल गिरते रहता है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है और इसका सलूशन हम कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा प्रॉब्लम हर गाड़ी में आता है, जिस चाहे बाइक हो, स्कूटर हो, कोई सभी गाड़ी हो, अगर जिसमें कार्बोरेटर यूज़ होता है। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए, ये है कार्बोरेटर, आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये जेटएक्स का है। तो फ्रेंड्स, जो भी गाड़ी में कार्बोरेटर का यूज़ है उस गाड़ी में यह प्रॉब्लम आता है और उसको हम ये बोलते हैं फ्रेंड्स ओवरफ्लो। अगर आपके स्कूटर में या बाइक में, चाहे कोई से भी गाड़ी में अगर ऐसा प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, चाहे कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, तो आप उसको आराम से घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कार्बोरेटर में जो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम क्यों आता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है बजाज चेतक स्कूटर का, ये कार्बोरेटर है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसको ओपन करके दिखाने वाला हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी की माइलेज कम है, आपकी स्कूटर अगर माइलेज कम दे रही है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है फ्लूइड पिन, और इसके वजह से ही आपकी गाड़ी में जो ओवरफ्लो का जो प्रॉब्लम आता है, यही कारण है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, ये दो प्रकार के हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये है जो कि फिक्स है, आप ये जो देख रहे हैं ये प्रेस नहीं हो रहा है, दब नहीं रहा है, ठीक है। और इसका जो सामने का जो आप पोर्शन देख रहे हैं जो रबर का है फ्रेंड्स, ये देखिए ये ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से आपके स्कूटर में या बाइक में ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आता है। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो ये प्रेस हो रहा है, ये देखिए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के आते हैं, ठीक है। और ये आपको मार्केट में 20 रुपीज़ के मिल जाएंगे आराम से, चाहे बाइक हो, स्कूटर हो। ये अगर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स मेन कारण यही होता है, तो आप इसको आपको इसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्कूटर में का जो कार्बोरेटर है कहाँ पर लगा होता है और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये जो नट देख रहे हैं ये देखिए ये सब को आपको ओपन करना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये दोनों साइड के जो नट है, एक यहाँ पर के और एक यहाँ पर के, इसको मैं ओपन किया हूँ, ये देखिए। आप आराम से इसको खोल सकते हैं घर में, और इसको आप आराम से उठाएंगे, ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो पैकिंग लगा हुआ है, आपको ये पैकिंग दिख रहा होगा, ये देखिए, अगर ये पैकिंग कट जाता है फ्रेंड्स तो भी इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इसका जो पेट्रोल है, जो आपको मालूम होगा यहाँ से इंटेक करती है, ये देखिए यहाँ से पेट्रोल इंटेक करती है। और यहाँ पर आपको मैं, चलो इसको भी खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पर एक जाली लगा होता है जिससे पेट्रोल जो है छन के इसके अंदर आती है, ठीक है, इसमें आती है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, देखिए। और आप देखे होंगे ये जो रबर है फ्रेंड्स, आप कभी भी खोलते हैं इसको तो याद से जैसे लगा है वैसे लगाइएगा, और जो भी जो इसका पैकिंग है उसको ध्यान रखिएगा, खोलते टाइम या लगाते टाइम कटना नहीं चाहिए, वरना ये आपके गाड़ी में ओवरफ्लो का और कारण बन जाएगा, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं इसमें एक हल्का सा जाली लगा हुआ है और इसमें पेट्रोल आता है, फिर इसके बाद ये जो आप होल देख रहे हैं यहाँ से नीचे जाता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लोट है, और आपको ये अंदर दिख रहा होगा फ्लूइड पिन, ये देखिए ये अंदर में जो लगा हुआ है,
तो फ्रेंड्स इसको भी चलिए मैं खोलने का बताता हूँ इसको कैसे खोलते हैं। आपको ये जो दिख रहा होगा ये देखिए पिन टाइप का, इसको प्रेस करना है। ये देखिए ये पिन को प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी खोलता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स ये देखिए ये फ्लोट है, ठीक है। और इसको ओपन करने के लिए इसमें आपको बताया, देखिए ये रॉड है पतला सा जो यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। देखिए और ये जो फ्लूइड पिन है ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आपको ऐसे देखने में थोड़ा नहीं पता नहीं चल रहा होगा, इसका जो आप देख रहे होंगे ना जो टॉप है वो हल्का सा ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड्स इसके वजह से इसमें भी ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ रहा था और मैं इसको नया भी लिया था, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंड्स जो मेरे को नया मिला वो भी कुछ इस प्रकार का ही था। और मैं आपको दिखा दूँ ये भी जेटेक्स का ही है, आपको ये दिख भी रहा होगा। ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये है इनलेट वॉल्व, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें भी एक लिमिट रहता है पेट्रोल आने का और ये अंदर में फ्लोट करते रहता है। जैसे ही ये फुल हो जाता है फ्रेंड्स ये क्या करता है ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद फ्रेंड्स ये इसको ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से इसमें एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं आता है। अगर फ्रेंड्स ये ख़राब हो गया है, ठीक है, ये रबर इसका ख़राब हो गया है, तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा होता है कि कंटिन्यू इसके अंदर पेट्रोल आता है और इसके वजह से पेट्रोल बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स यही कारण है अगर आपकी गाड़ी बार बार ओवरफ्लो हो रही है, पेट्रोल बाहर गिर रहा है या स्कूटर से स्मेल आ रहा है, स्कूटर आप चला रहे हैं तो पेट्रोल का अगर स्मेल आ रहा है तो यही कारण है, आपको इसको चेक करना होगा। और ये ख़राब हो गया है तो आप इसको चेंज करिएगा, ठीक है। तो यही कारण है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं इनलेट वाल्व, तो इसका काम है जैसे इसमें पेट्रोल आता है उसको ब्लॉक कर देना। अगर वो ब्लॉक नहीं कर रहा है फ्रेंड्स तो आपके गाड़ी में कंटिन्यू पेट्रोल आएगा, कार्बोरेटर में आएगा, कार्बोरेटर से कंटिन्यू इंजन में जाएगा, ठीक है। तो ये उसी के वजह से होता है। तो इसको आप आराम से घर में चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये 20 रुपीज़ के मिलते हैं, ठीक है। और आप जो पैकिंग देख रहे हैं ये देखिए जो पैकिंग है, आप कभी भी अगर खोलते हैं तो इसको ध्यान से खोलिएगा, क्योंकि अगर पैकिंग कट गया और आप लगाते टाइम ध्यान नहीं देंगे तो फ्रेंड्स तब भी ओवरफ्लो करेगा, ठीक है। और ये देखिए जो रबर है एक यहाँ पर भी इस नट में लगा होता है, ये देखिए आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स कभी भी आप कार्बोरेटर खोल रहे हैं तो ध्यान से खोलिएगा, जो भी पैकिंग है उसको ध्यान से जैसे लगा है वैसे लगाइएगा और कोशिश करिएगा आराम से खोले। अगर कट गया है तो आप उस पैकिंग को नया ला के लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि पैकिंग कटने से भी ये सब प्रॉब्लम आता है। और ये देखिए जैसे फ्लूइड पिन है और भी है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो मेन कारण फ्रेंड्स यही है, फ्लूइड पिन अगर ख़राब हो जाता है तो आपकी गाड़ी ओवरफ्लो करती है, चाहे बाइक हो या स्कूटर हो। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम है तो आप फ्लूइड पिन को ही पकड़िए, उसको ही चेक करिए, और वो अगर डैमेज है ख़राब है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे, नया लगा देंगे तो ये दोबारा जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये ऐसा रहता है और जैसे जैसे फ्रेंड्स इसमें पेट्रोल आता है ये धीरे धीरे करके ऊपर होता है और आप देख रहे होंगे जैसे ये ऊपर हो रहा है और जो फ्लूइड पिन है उसमें मूवमेंट आ रहा है और ये जो इनलेट वाल्व है उसको ब्लॉक करता है। देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे इसमें पेट्रोल आ रहा है ये ऊपर होता है और ये ब्लॉक कर देता है। फ्रेंड्स अगर ये ऐसा है और ये ब्लॉक नहीं कर रहा है तो कंटिन्यू आपके जो ये आप जो छोटा सा टैंक देख रहे हैं इसमें कंटिन्यू पेट्रोल आएगा और उसमें आने की वजह से फ्रेंड्स ये बाहर से जैसे पैकिंग कट गया इधर उधर कहीं ना कहीं से लीकेज करेगा और आपकी गाड़ी ओवरफ्लो के प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो जैसे ये देखिए और ये प्ले करना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं एकदम स्मूथ है। अगर ये हार्ड हो गया है, ठीक है, जैसे मान लो ये हार्ड है, पेट्रोल मतलब इसमें भर गया लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं जा रहा है तो भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, तो आप इसको भी चेक करिएगा। ये देखिए ये पूरा प्ले रहना चाहिए, ठीक है। और एक बार आप फ्लूइड पिन को देखिएगा और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो होल देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहीं से पेट्रोल नीचे जाता है और इसी का खेल है फ्रेंड्स। अगर आपके स्कूटर में कार्बोरेटर लगा हुआ है, बाइक में कार्बोरेटर लगा है, जैसे अभी BS6 इंजन में कार्बोरेटर नहीं है उसमें ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन जिसमें कार्बोरेटर है फ्रेंड्स ये ऐसा प्रॉब्लम आता ही है, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगा ही। अगर आप इस अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप इसको घर में ठीक कर सकते हैं, बना सकते हैं। नॉलेज नहीं है तो फ्रेंड्स आप परेशान हो जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो
तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप आराम से इसको घर में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।